हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, इंडियन मार्केट में रेडमी उनकी जो नंबर सीरीज वाली होती है ना, रेडमी 10, 11, गाइस उनका जो है एक लेटेस्ट नया फोन लॉन्च करने वाला है, शॉमी का रेडमी 12। गाइस ये जो सीरीज है, मतलब ये फोन है, अभी ये फोन होगा, हो सकता है कि इसमें प्राइम वाला वर्जन भी आ जाए, इसके अंदर जो है सी वाला वर्जन भी आ जाए, और भी जो है मॉडल जो है लॉन्च करते रहेंगे। लेकिन जो है अभी फिलहाल अभी जो है रेडमी 12 लॉन्च होने वाला है। गाइस ये फोन जो है 1 अगस्त को इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात यह है कि जो ये शॉमी रेडमी 12 है ना, इसका लैंडिंग पेज दोनों वेबसाइट पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और साथ में जो है अमेज़न पे भी अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे डेट अनाउंस नहीं की गई है, वहां पे लिखा हुआ है लॉन्चिंग सून, लेकिन अमेज़न पे जो है डेट भी बता दी है कि 1 अगस्त को जो है ये फोन लॉन्च होने वाला है। लेकिन अगर हम यहां पे जो है लैंडिंग पेज को कंपेरिजन करते हैं तो दोनों जगह आपको जो है सेम इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि Redmi 12 मतलब एक कोई एक्सक्लूसिव जगह नहीं जाएगा, मतलब ये अमेज़न पे भी आपको देखने को मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे भी देखने को मिलेगा और ऑफलाइन मार्केट में भी आपको जो है देखने को मिलेगा, मतलब जो है सब जगह चारों तरफ जो है ये फोन आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, क्या आपको ये फोन परचेस करना चाहिए या फिर जो है नहीं करना चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन होंगे, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के फर्स्ट लुक एंड डिजाइन के बारे में। तो आपको जो लुक कुछ इस टाइप का जो है देखने को मिलेगा शॉमी रेडमी 12 का, जहां पर जो लुक वाइज है ना, ये फोन काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यहां पर एक अच्छी बात यह है कि आपको बजट सेगमेंट फोन के अंदर जो है ये ग्लास पैनल दे रहा है, मतलब इसका जो बैक साइड है ना, वहां पर भी आपको जो है ग्लास देखने को मिलेगा। और फ्रंट डिजाइन के बारे में बात करते हैं, आपको मिलता है यहां पे 6.79 इंच का डिस्प्ले, जो कि है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन, 90 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट है और साथ में कुछ मिलता है यहां पे आईपीएस पैनल स्क्रीन। इसका मतलब है गाइस, यहां पे डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है, 90 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। बैक डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो ग्लास पैनल आपको जो है देखने को मिलेगा। एंड अगर कैमरा मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं तो वो भी आपको यहां पे जो है कुछ अच्छा दिख रहा है। गाइस ओवरऑल जो है लुक एंड डिजाइन के बारे में जो है हम इसको बोलना चाहेंगे कि ऑसम आपको जो है लुक देखने को मिल रहा है। एंड फ्रंट डिजाइन भी जो है काफी इंटरेस्टिंग है, कोई आपको जो है कंप्लेन देखने को नहीं मिलेगी। एंड यहां पर जो है 90 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले के साथ में, वहां पर मुझे कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर बता दूं आपको, ये फोन जो होने वाला है ना, वो एक 4G चिपसेट होने वाला है, मतलब 4G कैटेगरी का फोन होने वाला है, जहां पर चिपसेट यूज होगा मेडटेक का हेलियो G88, जो कि नो डाउट गाइस काफी इंटरेस्टिंग जो है परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा, कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। हेलियो G88 का हम ऑलरेडी परफॉर्मेंस जो है काफी सारे फोन के अंदर देख चुके हैं, एक अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि MIUI वर्जन है वो कंफर्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत आपको जो है देखने को नहीं मिलेगी। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर यूज किया जाएगा ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहां पर प्राइमरी सेंसर होने वाला है 50 MP के साथ में। एंड जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो होगा 8 MP का अल्ट्रा वाइड, एंड थर्ड जो कैमरा होने वाला है वो होगा 2 MP का मैक्रो लेंस, मतलब जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप है, कोई आपको जो है दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। जहां पर जो रियलमी जैसा ब्रांड जो है ऑलमोस्ट 16,000-17,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर जो है अपना अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा गायब कर रहे हैं, लेकिन जो है अपना जो शॉमी है ना रेडमी 12 के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल इमेज कैप्चर करने के लिए जो है एक डेडिकेटेड कैमरा देने वाला है। एंड गाइस, बात करते हैं फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, वहां पर आपको मिलने वाला है फ्रंट कैमरा 8 MP के साथ में। तो गाइस ओवरऑल जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो आपको एक अच्छा देखने को मिलेगा, कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस एंड चार्जिंग आउटपुट के बारे में, तो यहां पर आपको मिलने वाली है 5000 mAh की बैटरी। एंड 18W का जो है चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा सा लोअर है चार्जिंग सपोर्ट, एटलीस्ट 33W देना चाहिए था, बट आपको जो है इनबॉक्स में आपको 18W का चार्जिंग भी जो है साथ में आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहां पर जो है कोई कंप्लेन नहीं है बैटरी एंड चार्जिंग को लेके। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के वेरिएंट्स के बारे में, तो दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज एंड 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, दोनों वेरिएंट जो है। प्राइस में अगर बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, तो ऑलमोस्ट जो है 2000 रुपए का मुझे फर्क देखने को मिलेगा। एंड गाइस, अगर हम बात करते हैं इस फोन के सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको मिलने वाला है यहां पर साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर। तो गाइस ओवरऑल जो पैकेज है वो एक इंटरेस्टिंग है, कोई कंप्लेन नहीं है, एक अच्छा पैकेज आपको जो है देखने को मिल जाता है। सिर्फ चार्जिंग का यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि कंफ्यूजन वाला है, 18 की जगह 33 होना चाहिए, बट ओवरऑल जो पैकेज है वो कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं इस प्राइस सेगमेंट के बारे में, अब जो रूमर्स एंड लीक्स बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं या फिर से पुराने जो इसी रेंज में आते हैं, इसके जो नंबर वाले सीरीज के फोन आते हैं, वो आते हैं ऑलमोस्ट 10-11,000 रुपीज के आसपास। तो गाइस एक्सपेक्टेड प्राइस यही है कि शॉमी रेडमी 12 का जो प्राइस होने वाला है ना, वो भी आपका जो है ऑलमोस्ट जो है 11,000 रुपीज के आसपास जो है हो सकता है। अब गाइस इस प्राइस सेगमेंट में आएगा तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पिटिशन मार्केट को जो है इजिली बीट कर पाएगा। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके आप मुझे बताना क्या मानना है इस वीडियो के बारे में या फिर जो है शॉमी रेडमी 12 के बारे में, जो भी आपके माइंड में हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।